फाइनली सो गए। जब हम लोग अब चल रहे हैं यहाँ से अपने टाइम पे देखने के लिए, हम लोग जो चल के जाएंगे इस रास्ते से, और जाते जाते अपना बहुत यहाँ से जाने में थोड़ा लेट तो लगता है। फाइनली अब आने ही वाले हैं, और इसमें देखने लायक बहुत से अच्छा अच्छा जगह है। डैम का ये रास्ता जा रहा है जो जो यहाँ चिनारी से होकर, और यहाँ पे हम लोग अब आ चुके हैं। बगली दो ही 4 सेकेंड में अब चले जाएंगे यहाँ पे। और ये देखो डैम दिखाई दे रहा है, जो ये जो डैम है ना, ये जो मेन फॉल है इसका डैम का है, जो 1.5-2 किलोमीटर में ये डैम बना गया है। जो ये फॉल दिख रहा है अभी, मैंने लिए ये फॉल ही दिख रहा है यहाँ से, जो यहाँ से पानी का रास्ता छोड़ा जाता है यहाँ से, यहीं से। अब ये अपना ये नीचे है डैम का, नीचे रास्ता है ये डैम अपना पड़ता है, जो यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर में पड़ता है, 1.5-2 किलोमीटर और चौड़ाई इसका डैम बना गया है। 300-400 मीटर दूरी में इसका डैम बना गया है। एक पहले 2000 की पहले 2000 का सन की बात है कि जो ये टूट गया था, जो इसमें टूटने से क्या 2-3 गांव बह गया था इसमें, जो पहाड़ के बीचों बीच पड़ता है। और ये पहले यहाँ गांव रहा, पहले गांव रहा करता था। अब इसको बांध कर यहाँ सीआरपीएफ का बगल में एक ये जो पहाड़ उधर वाला दिखाई दे रहा है, वो बगल में पहाड़ के सामने सीआरपीएफ का कैंप रहता है। और जो ये अभी तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, ये बगल साइड में देखिए कितना मस्त सीन है, और सामने से देखने में भी अच्छा लगता है। देखिए वो जो ऊपर में सीन दिखाई दे रहा है, ये यहाँ इतना मस्त लगता है, जो बहुत से लोग आते हैं वीडियो बनाते हैं, आदमी आते हैं देख कर घूम फिर के जाते हैं। कभी आप लोग का भी टाइम मिलता है तो फाइनली यहाँ पे आकर घूम लिया करो, और इतना मस्त लगता है सीन यहाँ का। देखिए इधर का भी नज़ारा बहुत मस्त सीन दिख रहा है, पानी दूर से यहाँ से कम 300-400 मीटर दूर दिखाई दे रहा है नीचे। देखिए कितना मस्त नज़ारा दिखाई दे रहा है, इतना नज़ारा मस्त दिखाई दे रहा है। देखिए बीच गांव हम लोग तो गाड़ी से है, गाड़ी से देखने में। अब देखिए यहाँ से देखिए ये पहाड़ कितना मस्त लगता है, जो सीन लिया रिजर्व इसका, इसलिए थंबनेल पर लगाया था ये पहाड़ का सीन। नहीं बताने पर बोलेंगे कि साला थंबनेल पर कुछ और लगता है, कुछ इधर नहीं दिखाया है। और ये देखिए पूरा एकदम बिछाया गया है एकदम पत्थरों से। देखो ये सीढ़ी बनाया है 200 मीटर में ऊपर नीचे। ये पानी है डैम का, यहाँ से जाने के लिए एक नहर का भीतरे भीतर व्यवस्था किया गया है सरकार, यहाँ से नीचे नीचे पानी जाने के लिए, और भीतरी बांध गाँव में गया है ये। देखिए यहीं से जो अंदर ही अंदर गया है पानी नीचे नीचे, बस अब क्या पता, तो सरकार जानता है कैसे बनाया है इसका सिस्टम, लेकिन बहुत अजीब तरीक़ा से बनाया है, और अंदर ही अंदर इसका व्यवस्था किया है पानी जाने के लिए। इधर तो दिखा रहा हूँ मैं अभी दिखा रहा हूँ मैं। सो गाइज आपका भी अगर कभी टाइम मिलता है तो निकाल लिया करो देखने के लिए ऐसा ऐसा चीज़ें। और देखो ये देखो, हाँ देखिए इसका अंदर ही अंदर जाने के लिए पानी व्यवस्था बनाया है, जो इतना लंबा चौड़ा बांध है उसके अंदर अंदर व्यवस्था बनाया है। खुदवा कर यहाँ से जाएगा, अंदर अंदर पानी जा रहा है और उधर उस पांजर चला जाएगा। दिखाता हूँ मैं, देखिए यहाँ का सीन भी मस्त लगता है घूमने फिरने में। सबसे अजीब टाइप का है जो इसका पत्थर है ना, वो बहुत मस्त लगता है यहाँ का। बहुत पत्थर बिछा के रखा है कि कभी डैम जवाब नहीं दे पाएगा। देखिए यही नहर निकला है, उस पांजर का सीन लिया हूँ मैं, उस पांजर का जो अंदर से निकाल दिया गया है, यही नहर है इसका जो अगले गांव में चला जाएगा उधर नीचे साइड। देखिए यही नहर इसका बना दिया गया, वही जो बता रहा था मैं। देखिए कितना, अब देखिए इसका तालाब है जो भीतरी बांध का, जितना पानी है कम से कम 25-30 किलोमीटर का अंदर, किलोमीटर का ज़्यादा ही होगा उसका, जितना पहाड़ का पानी आता है यहीं बटरा जाता है, और यहाँ डैम का जो फाल है फाल से निकाला जाता है पानी इसका। बहुत
अरे सावन भादो के महीने में तो आऊँगा तो बहुत गर्दी सीन देखने के लिए मिलते हैं। और गुप्ता धाम यही रास्ता से, उधर जो हम लोग आए थे उसी रास्ते से निकलते हैं। यहाँ पानी में बैठ के थोड़ा देख लिया कि कैसा लग रहा है यहाँ पे नज़ारा, इसलिए थोड़ा इमेज लिया था यहाँ पे हम लोग। इतना यहाँ आया था बुनिया पूड़ी खाने के लिए, थोड़ा लाए थे घर से बना कर कि चलो बुनिया खाएँगे बैठ के, मस्त लग रहा है खाने में। देखिए खा रहे हैं हम लोग बुनिया पूड़ी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बुनिया खाना ना भूलें। ये बंदा आदमी बोलेंगे, ये भी कुछ बोलेंगे। डैम पे आके लेके आए थे, बोले थे कि चलो साथ में घूमेंगे फिरेंगे, और हमारी माँ भी है साथ में। बहुत मस्त लगता है बुनिया खाने में। फाइनली अब आ चुके हैं इधर साइड में, इधर पहाड़ का जरिया आ गए थे, थोड़ा सीन काट दिया गया है। और इसको पहाड़ का जरिया कर जो एक और बगल में नीचे जो पहाड़ वहाँ थंबनेल पर लगाया था वही पहाड़ का सीन है यहाँ नीचे साइड में। अभी थोड़ा अच्छा से दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। थोड़ा पहाड़ का सही से सीन नहीं आ पाया, साला धूप में ज़्यादा ख़राब आ गया था इमेज, इसके वजह से नहीं देखा पाया मैं। और मैं दिखा रहा हूँ, यही रास्ता है जो गुप्ता धाम जाता है। लोग बिहार के आदमी, बहुत से आदमी गुप्ता धाम जाते हैं। और इधर देखिए पहाड़ दिखा रहा हूँ मैं, पर उसकी छाँ की वजह से अच्छा से सीन नहीं आ पा रहा है। और मिलजुल के जा रहे हैं, बताने का कोशिश मैं कर रहा हूँ उसमें, पर अच्छा से आवाज़ नहीं आ रहा है। देखिए कितना इसका लोकेशन बहुत मस्त लगता है यहाँ पे। और देखिए पहाड़ ऊपर में मैं दिखाई रहा हूँ, पर अच्छा से सीन नहीं आ पा रहा है। और ये देखिए डैम, डैम पे आ रहे थे उधर से अपने साथ वाले हैं। और ये देखिए डैम कितना मजबूत बनाया है इधर, बहुत मजबूत बनाया था। यहाँ तक तीन गाड़ी चार गाड़ी आर पर अपना आ सकता है, जा सकता है, इतना चौड़ा है रास्ता यहाँ का। ये हमारे पीछे मम्मी भी है। और ये डैम का जो फाल है, फाल का जैसे पानी खोलने और बंद करने वाला फाल है, यहाँ से जो चैन से है, चैन से लगाया है बहुत। ये देखिए पानी भी इसमें भरा रहता है, बारिश का तो दिन में कोई ठीक नहीं है, कितना इसमें खतरनाक बारिश और पानी इतना डाल देता है जो डैम में कि हम बता नहीं सकते हैं। ये तो अपना पानी बटराने वाला है, ये फाल जो है वहाँ से खोलता है तो अंदर इधर पानी आते हैं, यहाँ पानी बहुत से बटरा जाता है, ऊपर में आ जाता है। ये वहाँ का ऑफिस है पीला वाला, येलो कलर का जो ऑफिस था। अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं डैम के फाल दिखाने के लिए नीचे से, ताकि अच्छा से दिखे और अच्छा से दिख भी पाए और दिखा भी सकते हैं। और बहुत नीचे सीढ़ी है, 100-150 सीढ़ियाँ नीचे उतर कर जाना पड़ता है। और वहाँ से जाएंगे जरी से दिखाएंगे कि कैसा वहाँ से दिखने में अच्छा लगता है या ख़राब लगता है, आप ही लोग गाइज बताएंगे। हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं, अब कैसा लग रहा है आप लोग का फर्ज बनता है बताना, मेरा जितना बनता है वो मैं दिखा रहा हूँ। यही फाल है, मेरा मोबाइल भी अच्छा वाला नहीं है कि मैं आपको मैं अच्छा से दिखाऊँ। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए नीचे जो फाल है वहाँ पानी गिरता है, यहाँ से पानी गिरता है। देखिए 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 यहाँ से पानी गिरता है और इस पे आदमी जाता है, उधर देख लेता है, वहाँ से जाने का भी रास्ता है लेकिन बंद कर दिया गया है। जो बीच में दिखाई दे रहा है ना वो बराबर का लोहे का उजर वाला वो रास्ता ही है, लेकिन उधर आदमी को जाने का अलर्ट कर दिया गया है कि उधर नहीं जाना है, गिर जाएगा आदमी, मर और जाएगा, इसके वजह से उधर आदमी को जाने उन्हें नहीं देता है। बट मैं दिखा रहा हूँ और चीज़ जो इधर नीचे में जो सीन है फाल, यहाँ से कम 75 फीट नीचे है, 75 फीट नीचे है। आदमी गिरने के बाद पानी में भी आदमी गिरता है ना तो बहुत कम आशा है कि आदमी जीता है, मर ही जाता है पानी में भी गिरता है तो। फाइनली आदमी मरेगा ना ही, लेकिन पट गिरेगा तो मर ही जाएगा आदमी, लेकिन वो सोच गिरेगा तो आदमी मरता नहीं है पानी में जल्दी।
दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए पानी कितना मस्त सीन दिखाई दे रहा है। देखिए वो फाल में से खोला गया है, थोड़ा सा खाली खोला गया है तो पानी आता है इसका, खाली थोड़ा सा खोलने पर पानी आ रहा है इसका। देखिए ये जो दिख रहा है वो रास्ता है इसका आने जाने का, जो कोई प्रॉब्लम होता है ना तो ट्रीटमेंट के लिए उसको खोला जाता है जाने आने के लिए। अब यहाँ से पहाड़ जो इस थंबनेल पर लगाया था पर बट अच्छा से नहीं आ पाया है, पर दिखा रहा हूँ मैं इधर से, जो इधर से सासाराम मोसराम अब ये वाला रास्ता चला जाएगा और एक न्यू नहर बना है उधर से, अपने गांव पुराना वाला गांव है मेरा उधर साइड में चला जाता है पानी है अपना, जो इसमें इतना पानी भरा रहता है एनी टाइम, कितना भी गर्मी रहे फिर भी इतना पानी रहता है इसका अंदर, गर्मी चाहे ठंडी इसमें इतना पानी रहता है। बरसात के मौसम में तो क्या पता है कितना पानी हो जाता है, बहुत से पानी हो जाता है। और मैं आप लोगों से दुआ करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करो और सब्सक्राइब भी साथ में कर देना, बट आप लोग से मेरा यही विनती है, रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भाई।